क्वेश्चन 17th में 6.5 एक्सरसाइज क्या गिवन है कि अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस है आपके पास टिन का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, कॉर्नर से हमने इसको कट कर लिया, हर कॉर्नर पे एक स्क्वायर कट कर लिया हमने जिसकी साइड हमें नहीं पता, क्लियर। और अब इसको फ्लैप को फोल्ड कर दिया, यानी यहां पे जो कट गया अब ये जो पोर्शन बचा है इसको हमने ऊपर की तरफ उठा दिया ऐसे, क्लियर, ऊपर की तरफ उठा दिया। तो ऐसे करके आपका ये क्यूबॉइड बन गया, आया समझ में, ये क्यूबॉइड शेप आपका एक बन गया। नाउ अब इस क्यूबॉइड का हमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम पॉसिबल, क्लियर, कि स्क्वायर ऑफ साइड क्या होगी जिसके लिए आपका इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अभी हमने स्क्वायर की साइड एक्स मान ली, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर जो हमने कट किया है दैट इज एक्स सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये जो क्यूबॉइड बना तो आपकी क्यूबॉइड्स की डाइमेंशंस क्या होंगी, डाइमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड ध्यान से सोचो अब क्या क्या होंगी बेटा। देखो जो ये लेंथ है, अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ हम मान रहे हैं, हाइट ये हो गई आपकी, तो लेंथ क्या होगी, देखो 18 ये पूरा था यहां से यहां तक, यहां से हमने एक्स कट किया और यहां से एक्स कट किया, तो ये कितना रह गया आपका, इतना पोर्शन 18 माइनस 2x। सिमिलरली ये लेंथ हो गई आपकी, सिमिलरली ब्रेथ भी देखो ये पूरा 18 था, अगेन यहां से यहां एक्स है और यहां से यहां एक्स है, तो ये भी 18 माइनस 2x हो गया। और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज एक्स। अब ये कितना ऊपर उठेगा, ये इतना ही पोर्शन है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, दैट इज एक्स। तो हाइट आपकी एक्स हो गई, लेंथ ब्रेथ तो राइट आ गई। अब हमें वॉल्यूम बोला है कि वॉल्यूम आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम, तो वॉल्यूम हमने निकाली क्यूबॉइड की, क्या आ जाएगी 18 माइनस 2x। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच, सो तीनों को मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, सो क्या बन गया आपका 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये वॉल्यूम बन गई हमारी x की टर्म्स में, ठीक है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसका डेरिवेटिव किया अब हमने, अगेन यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 18 माइनस 2x का स्क्वायर पहले करना है हमें, x वहां पे कॉन्स्टेंट हो गया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2, माइनस 2x का किया तो माइनस 2 आ गया, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, सो फाइनली क्या बना अब ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4x आगे निकाल लिया हमने, 18 माइनस 2x और यहां पे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इसमें हमने 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x, ठीक है। इसको भी फर्दर सॉल्व किया तो 18 माइनस 2x तो बाहर आपका, और यहां पे क्या जाएगा 18 माइनस 6x, क्लियर, और इसको इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सो 18 माइनस 2x इक्वल टू जीरो, सो x आ जाएगा इसमें आपका -18 अपॉन -2 यानी कि 9, और इसमें 18 माइनस 6x इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू 3, -18 बाय -6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और 3। अब 9 अगर हम करेंगे x को तो 9 और 9 18, यानी क्यूबॉइड आपका बचेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगी क्यूबॉइड की, तो x 9 पॉसिबल नहीं है, क्लियर, x इक्वल्स टू 3 आपका पॉसिबल है, और डबल डेरिवेटिव किया हमने वहां पे, अब वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या आया था आपका 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x, तो यहां पर फिर से हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, तो 18 माइनस 2x का करना है, 18 माइनस 6x कॉन्स्टेंट, 18 माइनस 2x का करेंगे तो कितना आएगा -2, प्लस 18 माइनस 2x कॉन्स्टेंट अब आपका, और किसका कर रहे हैं 18 माइनस 6x का करेंगे तो क्या जाएगा -6,
सो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में ही कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, कॉमन नहीं बेटा, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 12x माइनस 36 प्लस 12x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन दोनों के चेंज हो गए, प्लस 18 6 108 और माइनस 108 बन गया और प्लस 12x, क्लियर, 12x प्लस 12x 24x हो गया, माइनस 36 इन और 108 144। अब यहां पर हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, सो 24 3 जा कितना होता है, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, 24 3 जा 72, 72 माइनस 144 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर, माइनस 72 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है आपका, ठीक है। तो अगर v डबल डैश x नेगेटिव आ रही है यानी कि लेस देन 0 आ रही है, therefore at x equals to 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्लियर, और वही हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने ये प्रूफ कर दिया, एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम मैक्सिमम है। सो अब हमें जो स्क्वायर हमने जो साइड से कट किया है वो आपका 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्लियर।